ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बुलढाणा शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। यह तीनों आरोपी बुलढाणा के प्रसिद्ध अस्पतालों के कर्मचारी हैं। बुलढाणा शहर के 2 नामांकित अस्पताल के 3 कर्मचारियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए बुलढाणा अपराध शाखा पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक अस्पताल के 2 और दूसरे अस्पताल के 1 कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हॉस्पिटल के कर्मचारी रेमडेसिविर इंजेक्शन की बिक्री कर रहे हैं, जिसके बाद बुलढाणा LCB के PSI श्रीकांत जिंदमवार और उनके दल ने जाल बिछाकर तीनों कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी जिस अस्पताल में काम कर रहे थे, उन दोनों अस्पतालों में मेडिकल अटैच है। इसी मेडिकल से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का संदेह पुलिस को है। संबंधित हॉस्पिटल के डॉक्टरों का इस प्रकरण से कुछ संबंध है या नहीं, इसकी जांच पुलिस कर रही है। राज्य के अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने के बुलढाणा जिले में LCB की रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले नांदुरा शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।